الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीनो आसमान दी तखलीक फरमाई। इस जहान नो अपनी बेशुमार नेमता नाल मुजयन फरमाया। और फिर इस जहान दे अंदर अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात इंसान नु आबाद फरमाया। इस सारी दुनिया नु सारी कायनात नु वजूद दे अंदर ले आवण दा अल्लाह दा मकसद क्या है? ओ अल्लाह करीम ने कुरान मुकद्दस दे अंदर बयान फरमाया है कि इस सारा कुछ जो मैं अल्लाह ने तखलीक फरमाया है, बेशुमार नेमतां भी तुहानू नसीब फरमाया है, तुसा इंसाना नू अपनी कुदरत दे दोवां हत्थां नाल भी बनाया है। मैं रब इस जहान दे अंदर इंसान कोलों के चांदा हां। वो अल्लाह ने फरमाया है कि मैं चाहता कि मेरा जहान हक और सच नाल हमेशा वसदा रहे। इस जहान दे अंदर अगर बोल बाला होवे तो सिर्फ सच दा होवे। इसे वास्ते अल्लाह दे कुरान ने फरमाया कि जदा इस जहान च सच हक खत्म हो गया, उस दिन अल्लाह ने इस जहान नू भी खत्म फरमा देना। सब तो बहुत बड़ा अगर इस वक्त दुनिया के अंदर सच का खजाना है वह सिर्फ रब का कुरान है। और अलामात कियामत के अंदर आखिरी निशानी जड़ी कियामत की है वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाई है कि जद कयामत आसी उस दिन यह साडे जालिया च पै होया कुरान पाक इस दे अंदर कुरान दे हरूफ न हो सके। अल्लाह अपनी कलाम मुकद्दस नू उठा ले सी। एक कुरान पाक बंदा खोल के वेख सी सिर्फ खाली सफेद वरके हो सके।
मगर हरूफ अल्फाज कुरान पाक दे विच मौजूद कोई ना हो सके। क्यों? उसकी वजह यह है कि इस सच की कदर करने वाला दुनिया ते मौजूद कोई ना हो सके। तो अल्लाह ने ए अपनी कलाम मुकद्दस दे अंदर वजाहत फरमा दीती है कि ए जहान अगर कायम है तो सिर्फ और सिर्फ मैं रब दे सच दी वजह तो कायम है। तो इस सारे जहान दा मकसद दा भी पता चल गया कि ए जहान वजूद दे अंदर अल्लाह पाक ने ले आंदा है तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज वास्ते? हक और सच वास्ते। अल्लाह पाक जो बार बार आता है लानतुल्लाह अलल काज़िबी, झूठे ते अल्लाह दी क्या है लानत। और जिन्ना लोगों की जिंदगी दे अंदर ये सच वाला जेवर पाया गया है उन्हां लोगों के बारे अल्लाह फरमांदा कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिहिर रहमा, काताबा यानी ए फराजा, रब ने अपने उत्ते फर्ज कर लिया है कि इहो जै सच्चे बंदे दे हर साह ते मैं अल्लाह रहमत दा नज़ूल फरमाई रखना है। ते जेड़ा झूठा बंदा हो सी ओदे उत्ते अल्लाह दी रहमत ना हो सी बल्कि अल्लाह दी लानत। अल्लाह ला यहदी मन होवा काज़िब, झूठे बंदे नु अल्लाह कदी भी सोने मुहम्मद दे सच्चे राहे हिदायत ते आवण देंदा ही नहीं है। क्यों? हिदायत दा दुआ ना ही सच्चे। जेड़ा बंदा मुड्ढू सच नु पसंद करदा नहीं ओनू अल्लाह कदी सिरात मुस्तकीम ते आवण देंदा ही नहीं। फिर वो उस पासे वही सी जिहड़े पासे सड़कां ते लैना ते रस्ते निकल सन तो झूठ ते निकल सन, चाहे वह झूठ शिरक दी शकल च आ जाए, बिदअत दी शकल च आ जाए, कुफर व जलालत दी शकल दे अंदर आ जाए। झूठ हर रूप इख्तियार कर सकता है मगर सच्चे दया इको ही रस्ता है। झूठ तो कई रस्ते कई लाइना है ते सच दा बोलो इको ही रस्ता, ओ इको खजाना इको लाइन इको रस्ता बन के आया है तो सिर्फ रब दा कुरान बन के आया। जिवें जिवें बंदा अल्लाह दे कुरान तो दूर होता वैंदा है उन्ने उन्ने अल्लाह पाक उस बंदे दी जिंदगी दे अंदर लानत ते फिटकार दी भरमार करेदा वैंदा है। इसे वास्ते अल्लाह पाक ने ईमानदारा नु भी हुक्म फरमाया, गल नू समझिया, ईमानदार वो ही होंदा है ना जेड़ा सच ते ईमान रखे, सच ते यकीन रखे, वो ईमानदार है। कुरान पाक ए निरा सच है। अल्लज़ी जा बिसिदके व सद्दक बिही उलाइक हुमुल मुत्तकू, ते इस आयत ही फरमाया या यो अल्लज़ीना आमनु इत्तकुल्ला, उत्थे फरमाया जा अब सिदके व सद्दक बिही उलाइक हुमुल मुत्तकू। क्या मतलब?
मेरे सोने मोहम्मद रसूल अल्लाह दा वजूद भी सच है, मेरा कुरान भी सच है, ते जेड़ा सच दी सत्ता का दिलू बजानू सच्ची तस्दीक च करे। अल्लाह फरमांदा है मेरा ये फैसला है, जो असल मुत्तकी बंदा वेखना है ता ऐ बंदा है जिसने सारी दुनिया नु छड़ के ते मेरे मोहम्मद सच्चे दी तस्दीक करके विखाई है। ये तो ईमान आ गया, ईमान जो मिल गया है। हुण अल्लाह फरमादा है सच्चे कल्ला ते इहदे दुश्मन हैं झूठ हैं, इहदियां लाइनां हैं ढेर सारी। कोई किसे रूप च आसी, कोई किसे शक्ल च आसी, कोई किसे जमात की शक्ल च आवे सी, कोई मौलवी की शक्ल च आसी, कोई पीर की शक्ल च आसी, ढेर झूठ दे नाल खलोते होवड़े, सच दे नाल हमेशा थोड़े ही हो सके। हुण अल्लाह ने एक तरीका बयान फरमाया भाई इन्ना सारे दे सारे झूठियां कोलो सचिया जे महफूज रहना है ना, तो फिर उहदा तरीका यह है जे तू कल्हा झूठियां नाल मुकाबला नहीं ना कर सकता तो कूनू मासा दे कीन हमेशा नाल रल के जिंदगी उन्हां दे कठे बसर करे जेड़े मैं रब दे सच्चे कुरान ते ईमान रखण वाले लोग हैं। उन्हां दे नाल रल के जिंदगी बसर कर, फुट गयो तो फिर इन्हें समझ के चील ते कव्या दे हाथ तो आ जावना है, उन्होंने तेनू तुम्ब तुम्ब के तेरी बोटी बोटी कर छोड़नी है। अगर अपने सच्चे ईमान नु महफूज रखना है हमेशा ताल्लुक रख तो सच्चे लोगों नाल झूठियां नाल ताल्लुक न रख। ये फैसला कहें फरमाया करमा लियो दर्श सुन की यह शर्त कोई नहीं जो मुंह मोकार बना के बैठे रहो नाल नाल बोलो भी सही। सच की तस्दीक करना ये भी ईमानदार दी ईमान दी अलामत होती है। कुरान पाक सच है कि नहीं है जी? सोहरा मुहम्मद मासूम भी सच का खजाना है कि नहीं है? अल्लाह फरमाता सदा कभी ही जिसने इन्हां दी तस्दीक कीती उसनू किसे मुल्ला ते पीर कोल फतवा लैके अपने ईमान दी सनत ते सर्टिफिकेट लवण दी जरूरत कोई नहीं। इस बंदे दे ईमान दीआं शहादतां मैं अल्लाह खुद दे रहा ते जिसने फला सदका जे साडे सच दी तस्दीक नहीं कीती बल्कि लाकिन कज़्ज़ाबा उस उल्टा साडे सच नूं भी बदनाम करन वास्ते हो सके ये झूठे है जेड़ा मैं आख रहा वह सच्चे। अल्लाह फरमांदा वल इहो जिहे बंदे वास्ते मैं अल्लाह दा फैसला ये है औला लक फा औला सुम्मा औला लक फा औला। इस बंदे दी सारी जिंदगी दे उत्ते मैं अल्लाह दी लानत ते फिटकार वसदी रहदी है। अल्लाह शाला हर मुसलमान नूं अल्लाह दी लानत तों महफूज फरमाए। ये मैं जिहड़ी मारूजात पेश करदा पिया ये जिहड़े मेरे अजीज तुलबा हैं ये मैं खसूसी तौर पर उन्होंने वास्ते अर्ज कर रहा क्योंकि दीन का इलम सिख रहे हैं तो ये अल्लाह का कुरान पिया दसेंदा है कि जिथे सच होंदा है उत्थे तकलीफां ते मुसीबतां आशिक होदियां मगर जदा मुसीबत ते सदाकत आपस में कुश्ती कर दिया ना लड़ाई आती है मुसीबत आधी है जो मैं इस सच की कंड ला लवा
सच जड़ा होंदा है वह अगू मुकाबला करेंदा है बे तू जितना जोर लावना ही ला लै मैं अपनी कंड लगन नहीं देवड़ी। जदा इन्हों का मुकाबला होंदा है ना अल्लाह फरमांदा है इंजे समझो मुसीबत ते सदाकत दा मैच मैं अल्लाह खुद पिया करेंदा होना ताकि दुनिया नू पता लग जावे कि सच दे अंदर मैं अल्लाह ने कितनी कुव्वत ते ताकत रखी है। फिर नतीजा क्या निकलता है जा अल हक वज़ाहकल बोलो जा अल हक वज़ाहकल बातिल फायद मगो हुल बातिल। मुसीबत लड़दी रांदी लड़दी रांदी लड़दी है हर रंग ले आंदी है मगर सच दा हिको मुक्का ओदे दिमाग च लगदा यद मगो हुल बातिल उस दा दिमाग भी कड के बाहर सच छुड़ेंदा है। झूठे बंदे नू जदा सच दी सच लगदी है झूठे दा दिमाग भी टिकाने ते रांदा नहीं है। इन्नल बातिल कान ज़हूका ज़ोक ये केड़ी शै अल्लाह जो आदा कान ज़हूका कुत्ते नू वट्टा चा के मारो ना वो अगू कौकदा है कि नहीं है जेले सट लगती है ना दर्द जो होंदा है स्तवत ओदे मुंह च कौक निकलती है ना कान ज़हूका जिवे वट्टा लगे कुत्ते नू तो चुप करके नहीं नसदा नाल नाल कौकदा भौकदा दंदिया भी कटदा है। अल्लाह फरमांदा है जिथे कुरान सच्चे दी सट लग जाए झूठा इंजे चुप नहीं करेंदा ओ भौकदा भी ने दंदिया भी कटदा है इल्जाम भी लेंदा है बकवासात भी करदा है खराफात भी बकदा है लगवियात भी बकदा है मगर ख्याल करे आए ओ सच्चो भावे सारी दुनिया तुहानू भौकण वाली होवे मेरे सच्चे कुरान नू जफा तुसा मारी रखे आए मैनू रब होवण दी कसम है सच्चे दी कंड में अल्लाह कदा ही ना लगण देसा। तुसा ए दीन सच्चा सिखण आयो ते ए अगर ज़हन दे अंदर होया मौलवी बन वसा चलो काई ना काई मस्जिद लभ पौसी इमामत मिल पौसी तनखाह मिल वई सी चलो अपना भी ते अपनी फैमिली दा भी पेट पलेंदे रह वई सा ए अगर सोच रखी ते इस सच्चे दीन मासूम नू सिखण दा कोई फायदा कोई। देखो तुहाड़े कोलो अल्लाह ने उतना ही दीन दा कम लेना है जितना कदर अल्लाह ने तुहानू इस्तेताअत देनी है। ये हर बंदे दा कम नहीं होंदा ये अल्लाह उसे कोलो ही लेंदा है जिसनू अल्लाह अपने दीन वास्ते पसंद फरवा लेंदा है। इस च ना मेरा कमाल है ना उस्तादा दा कमाल है ना तुहाडा कमाल है तुहानू अल्लाह ने सिर्फ इतनी कुव्वत ते इस्तेताअत दित्ती है तुहानू दिल भी दिता है दिमाग भी दिता है अकल भी दिता है तुहाडे सामने अल्लाह ने अपने दीन दा इल्म भी जाहिर कर दिता है तुहानू समझावण वाले भी हैं पढ़ावण वाले भी हैं मगर अगर तुसा ये सोच रखी भी चलो कोई नहीं जरिया महाश बन वे सी फिर इयो दीन इयो इल्म दा हिक हिक हर्फ तुहाडे उत्ते हट हट के लानत करनी है। ताई ता अल्लाह दे रसूल ने फरमाया रुबता लिल कुरआन वल कुरआन यलअनुहु अक्सर ऐसे लोग हैं पढ़ते कुरान हैं ते ओहो कुरान हट के पढ़ने वाले दे मुंह ते लानत करे क्योंकि उन्होंने रब दे सच्चे कुरान दी कदर नहीं की थी। ए ना होवे कि आलिम बन जाओ अल्लाह पाक तुहानू ये इल्म वाली दौलत नसीब फरमाए आलिम बन जाओ ते फिर वो कुलखानियां ते तीजियां ते सातियां ते यारवियां ते अपनी जिंदगी बर्बाद कर दियो जे पढ़ के फिर भी इयो कम करना है तो फिर अठ साल दस साल मदरसे दी दाल खाधी दा तुहानू केड़ा फायदा मिले। दिल दे अंदर आज तू ए मुसम्मम इरादा करो अल्लाह असा तेरा इल्म सिख दे पे है तो सिर्फ तेरी रजा दी खातिर सिख रहे हैं ताकि होर किसे दी असा इसलाह अगर ना भी कर सका है त
चलो अल्लाह सानू इतना इल्म तो दे ताकि हर झूठे नाल असा मुकाबला कर सकी। इसे वास्ते अल्लाह करीम ने फरमाया कि हमेशा अगर साथ दिवे आए तो केड़ी शायद आ, बोलो केड़ी शायद दिवे आए सच दा। ओ आप आ दियो सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। असल अगर सच्चाई दा अल्लाह ने फूल बना के भेजे आए, इन समझो जा फूल बनया कुरान कलाम अल्लाह, उसकी महक ते खुशबू बन के आया तो मुहम्मद रसूलुल्लाह बन के आया। कुरान कलामुल्लाह और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दा आपस च इंज रिश्ता है जिवें गुलाब खुशबू को अलग नहीं हो सकती, खुशबू गुलाब को अलग नहीं हो सकती, इंजे मुहम्मद कुरान तो नहीं फुट सकता, कुरान मुहम्मद तो अलग नहीं हो सकता। सच दा खजाना इस वक्त दुनिया ते केड़ी शाय है, सारे बोलो केड़ी शाय है, अल्लाह दा कुरान है। अल्लाह फरमांदा जब तक ये सच है जहान है, जे ये उठ गया तो जहान, बोलो मा खलकन समावात वल अर्ज वमा बैनहुमा इल्ला बिल हक, ये जमीन और आसमान में अल्लाह बनाए हैं तो सिर्फ इस वास्ते इत्थे हमेशा बोल बाला होवे तो हक ते सच दा होवे। इस वास्ते सोहरे मुहम्मद करीम नु भी इसे कुरान ने आके क्या फरमाया, लहू दावतुल हक, मेरा पैगंबर तैनू भी हक बनाया, कुरान नु भी हक बनाया, जहान नु भी हक वास्ते बनाया, होर इत्थे बयान ते दावत ते पैगाम भी होवे तो केड़ी शायद होवे, हक सच दा होवे। दो चार गल्लां सच्चे दियां सुना देवीए जी। इस वास्ते मेरी बार बार गुजारिश ही है, अगर कितों तुहानू कोई झूठ दा धक्का थुड्डा कीड़ा घुण लगन लगे तो फौरन कूनू मासा देकीन, राबता रखिया करो तो सच्चियां लोगों नाल रखिया करो, इन्ये करे सो ना आखो माशाल्लाह, आखो जा माशाल्लाह। कुरान पाक किसे एक खानदान वास्ते नहीं आया, ये बन के आया हुदल लिन्नास, कयामत तक आवन वाले हर इंसान नु जे सच्चा रस्ते दी रहनुमाई करे सी तो केड़ी किताब, कुरान पाक। दर्स तो वही जड़ा मौलाना सनाउल्ला साहब ने फरमा दिता है, मेरा चूंकि उन्े वैसे एक शौक है ही भाई, चलो मुसलमान मुवाहिदीन नाल एक जरिया पे बढ़ता है मुलाकात दा। दूसरा ये है भी ये जड़ा दौर गुजरता है ना तालिब इल्मी आला, ये बड़ा अजीब गरीब होंदा है, बड़ा अनोखा ते निराला जिया ये दौर होंदा है तालिब इल्मी आला, और इस दे अंदर उस्ताद दी काबिलियत दा तरबीयत दा बहुत बड़ा अमल दखल होता है। तो बहरहाल मेरी गुजारिशात दा जड़ा मकसूद है वो मेरे इन्हां अजीजा वास्ते है जो अल्लाह पाक इन्हों इस्तकामत फिर दीन नसीब फरमाए, जिमें ये सच्चा इल्म पढ़ रहे हैं अल्लाह इन्हां दी सारी जिंदगी दे अंदर इसे सच नूं ही मुअसर फरमा देवे। अल्लाह दे कुरान ने फरमाया यौम यन्फउ सादिकीन सिदकुहुम,
ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਚੱਲਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸੱਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਇਸੇ ਸੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਹੋਣਾ ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਦੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮਲੂਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਯਾ ਰੱਬ ਇਨ ਕੌਮੀ ਇਤਖਜ਼ੂ ਹਾਜ਼ਲ ਕੁਰਾਨ ਮਹਜੂਰਾ ਹਿਜਰਤ ਦਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਤੂੰ ਕੰਢ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਵੈਣਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿਜਰਤ ਉਸਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਰ ਵੈਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਹਾਜ਼ਲ ਕੁਰਾਨ ਮਹਜੂਰਾ ਅੱਲਾ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡ ਮਰਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸਾਜਿਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਹਜੂਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਵੈਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਰਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਤਾਂ ਠਰਣਾ ਹੈ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਜਹੰਮ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਈਓ ਜੇ ਸੋੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੇ ਜੋ ਅੱਲਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਲਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਜੈ ਬਦ ਨਸੀਬ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਲ ਹਸਾਵਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪਲੂਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕਾਂਡ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਅਗਰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੌਰਾਤ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੰਜੀਲ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬੋਲੋ ਸੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮਗਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਆਖਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਨਬੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਸ ਜੈਸੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਆਈ ਕਿਤਾਬ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਵੱਲ ਫਰਮਾਉਣਾ ਯੌਮ ਯਨਫਉ ਸਾਦਿਕੀਨ ਸਿਦਕੁਹੁਮ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਇਨਾਮਾਤ ਵਾਲੇ ਨਫੇ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਦੇਣੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸੋਹਬਤ ਨਸੀਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਸਾਦਿਕੀਨ ਸਿਦਕੋ
जिन्हां ने पानी नाल ता रोटी खा लई मगर मेरे सच्चे कुरान नू कांड बोलो दुनिया नू ता अपना मुखालिफ बना लिया है मगर मेरे सच्चे कुरान नू उन्ना छोड़िया नहीं आए वतनों बेवतन हो गए मगर मेरे सच्चे कुरान नो छोड़िया नहीं आए उन्होंने बाल बच्चे ज़िबा करवा छोड़े मगर वत भी मेरे सच्चे कुरान दा साथ नहीं छोड़िया उन्होंने दुनिया दा हर दुख ते मुसीबत नू अपने हां नाल ला लिया है मगर मेरे सच्चे कुरान उन्ना छोड़िया नहीं आए जिवें उन्होंने दुनिया ते मेरे सच नाल वफा की थी अज अस भी वफा प करें दे आए जेड़ा इन मेरे सच नाल जिंदगी गुजारन वाला हा अज उसनु उस सच दे खजाने मोहम्मद दे नाल रला के जन्नत दा दाखला नसीब कर देने आए तकबीर अल्लाह यौमा यनफा उस दिन अगर नफा मिल सी सचिया नु मिल सी ते उन्होंने सच की वजह तो मिलना उत्थे भी फैसले किस बुनियाद ते हो सन बोलो सच ते इस बंदे ते सौदा करना होवे मज गां दा इस सत्तर कसम झूठियां चा लैंदा है सिर्फ अपनी दलाली बचावण वास्ते या कमीशन बचावण वास्ते या अपना नफा बचावण वास्ते भावें उस 50,000 दी लई होवे ते ए कसमां इंज दियां चैसी होआदा मैं तां 170 दी लै के आया इसे वास्ते अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमांदा है जिहड़ा झूठ बोल के झूठियां कसमां चा के सौदा विचेंदा है सौदा विक वेंदा है मगर उस दे माल ते खुदा दी लानत होंदी है ते वेचण वाले ते भी अल्लाह दी लानत होंदी अल्लाह इंज त नहीं आखे लानतुल्लाह अलल काज़िबीन झूठे बंदे दे उत्ते अल्लाह दी क्या होंदी है अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बंदा पहली बारी झूठ बोलता है ना उस झूठ दा असर ए होंदा है कि उस बंदे दे दिल दुते एक स्याह तिल नुमा नुक्ता अल्लाह पैदा कर देता है बाजे बाजे बंदे नु तिल नहीं निकले होंदे स्याह रंग दे इस किस्म दा ओदे दिल दुते स्याह तिल अल्लाह पैदा कर देता फिर दूसरा उस तेल नू गिजा करी शायद ही मिलती है वो इसे झूठ दी मिलती है जिवे जिवे झूठ बुलेंदा वेंदा वो तेल वधदा वेंदा है वधदा वेंदा है वधदा वेंदा है वधदा वेंदा है हत्ता के अल्लाह दे रसूल फरमांदा है हत्ता युक्तब रजुलुन कज़्ज़ाबा अग्गे भावे ओ दना कलीमुल्ला है या मार है या उस्ताद है या पीर या मुर्शिद है इयो जाए बंदे दा ना ही अल्लाह अपने काज़ा दे अंदर कज़्ज़ाब ते झूठा लिख छोड़े ये बंदा ओ है जिंदे हर साई चुके निकलदा है कज़्ज़ाब ये झूठा बंदा ते जेड़ा बंदा हमेशा सच ते चलदा है तो अल्लाह करीम उस दे दिल दे अंदर एक नूर दा दीवा बाल छोड़ेंदा है जो जो सच दुते चलदा वेंदा है बुलेंदा वेंदा है अमल करदा जांदा है उस दा नूर अल्लाह दीवा अल्लाह इतना चमका देंदा है इत्थे अज तक दुनिया ते नजर नहीं आ रहा जदा मैदान कियामत दे वे सी उस वक्त अल्लाह उसे नूर आले खजाने नु कड के ते ओदे वजूद ते मल छोड़े सी ये मेरा अजीज बैठा है मेरे आ रहे सोना बहु है रंग ही बड़ा भखदा है सू इस ते मेरा कलर है हिको जी मगर ये रेया सच दे इदे अंदर आले नूर नू अल्लाह कड के जिसले बाहर इदे वजूद ते मले सी उस वक्त दुपारा ते चढ़े होया सूरज भी इदी शोहाई तो वेख के शर्मादा खलोता हो सी इतने
चमकार अल्लाह दे वजूद ते रखड़े ए वत के खला दो सी रब्बना अतमिम लना नूराना रब्बना अतमिम लना नूराना अल्लाह जिवे मैं तेरे सच दे उत्ते चलण दे अंदर कमी काई नहीं रखी अज तू ही मेरे वजूद ते ते मेरे उत्ते नूर पलटण दे अंदर कमी काई न रखे वगफिर लना जेकर मेरे कोलो छोटी मोटी लगजिश भी हो गई आई त माफिया पै मंगदे आए जान बुझ के त मैं तेरे सच नु छोड़िया कोई नहीं आए निसियानन कोई गलती हो गई है या गैर इरादतन गलती थी गई है क्योंकि इन्नका अला कुल शैइन कदीर क्योंकि मेरे इस वजूद उत्ते कुदरत ते ताकत रखण वाला कौन है अल्लाह मैं ता मेरा कलर ता इंज आई जिवे तवे दा पिछला पासा होवे अज पे पता लगदा है सारिया नूरानियता सारिया रामता ते बरकता सारे तेरिया नेमता दे खजानिया दी कदर जे असा दुनिया ते कीती अज उस बंदे दी कदर मैं अपनी अखी नाल वेख लई है लिहाजा मेरी ये दुआ है आत्म मुलाना नूरना अल्लाह होर मेरे उत्ते अपने नूर नु पलटना शुरू कर दे अल्लाह फरमांदा तेरे नाल साडी जाती रिश्तेदारी तक कोई न गई अज ये सारे इनामात मैं अल्लाह तेरे उत्ते ताई सटे क्योंकि तू दुनिया ते हर मुल्ला ते पीर नु कंडता कर दिती है मगर मेरे सच्चे कुरान नु अपने नालों निखड़न तो दिता कोई ना है सारिया बरकत कड़ी शह दिया होनी कड़ी शह दिया सच दिया वत्ते खलोता उसी अल्लाह करीम फरमांदा तेरा ईमान जो इतना तरक्की कर गया है कितो तक अल्लाह फरमांदा है तू तो हेतु वाले मदरसे दे अंदर बैठा है मगर जीवे जीवे तेरे सच्चे कुरान नाल ताल्लुक ते जोड़ पैदा थींदा गया है असा तेरे ईमान नु कित्थो तक वधाया है अल्लाह फरमांदा है फरोहा फिसमा शाखा में अल्लाह ने अपने अर्श दे पाव्या नाल मिला दितियो क्यों इजा तुलियत अलैहिम आयातुहु फज़ादतुहुम ईमाना झूठे बंदे दी गिजा झूठे ते सच्चे मोमिन बंदे दे ईमान दी गिजा रब द कुरान ओ झूठ बोले ता झूठ तरक्की करवाइंदा ए मोमिन सच्चे कुरान नाल ताल्लुक ते जोड़ जिवे ज्यादा पैदा करेंदा है अल्लाह ओदे ईमान दे अंदर तरक्की नसीब फरमा देंदा है ए वत उत्थे खलोता उसी अल्लाह करीम फरमांदा है असवत नूर नु जिस वक्त बहर जहर करे सा है ना यसा बैन अईदीहिम व बि अईमानिहिम नूर हम उनका नूर नूर अल्लाह दा या बंदे दा कहिंदा है अल्लाह दा अल्लाह दा पिया नूर हम उन्ना दा नूर हालांकि नूर तो कहिंदा है बोलो तो सही यार
अल्लाह फरमाता नूर ओ हम उनका नूर केड़े ओ जिन्हां लोगां ने सारी दी सारी दुनिया नू कंड कर दिती मगर मेरे नूर कुरान नू कंड नहीं कीती। आज उस कुरान वाला नूर असाई ना दे दिल च मुंतकिल कीता है। आज ओ नूर कट के बाहर विखाई साए दुई दुनिया अंधेरे दे अंदर धक्के ते छुट्टे वदी खांदी हो सी ए जिदे टुरसन अगो पिछो सज्जे खब्बे में अल्लाह नूर दे दीवे बाल छोड़ दे। ये बंदा अक्सी अल्लाह ए हे केड़ी शाए अल्लाह फरमांदा ए उवा शाए हे जेड़ा असा नूर कुरान दुनिया ते भेजिया हा तू उत्थे ओदी कदर कीती अज तेरी कीती हुई कदर नु असा नूर दी शक्ल तेरी अखी दे सामने जाहिर कर छोड़िया है। तो बंदे दी कदर केड़ी शाए चे बोलो बोलो तो सही यार। इस जहान नु वजूद दे अंदर लियावण दा मकसद ही होए कि इस जहान दे अंदर बोल बाला हमेशा रहे तो केड़ी शायद बोलो ते सच दा खजाना केड़ा है जी सोड़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन समझो ए है सच दा खजाना। ए हुण हुरूफ दी शक्ल च है को मुजस्सम नहीं है ते मुजस्सम नहीं है। कोई बंदा आखे कि यार सच दी शकल की हो जी होती है सच होंदा की हो जी है अल्लाह फरमांदा जी ओदी शकल वेखनी ने तो मेरे मुहम्मद रसूलुल्लाह नु वेख ला। ए सच दा मुजस्मा बन के आया है तो मेरा मुहम्मद रसूलुल्लाह बन के आया। वत बंदा आदा यार सोना मुहम्मद करीम तो वत कई साल कई सदियां पहले गुजर गए हुण असा तो उस मुजस्मा हक नू वेखण तो महरूम हो गए हैं। तो वत अल्लाह फरमांदा है चलो जी ओ तुहानू नज़र नहीं ना आंदा तो उस सच दा मुजस्मा तो नहीं मगर उस जैसा नमूना तुहानू विखा देने हैं। किहड़ी शै विखाईने हैं नमूना सच दा विखाईने हैं। अल्लाह फरमांदा जी उस सच दा नमूना वेखणा ही नहीं तो मेरे मुहम्मद दे सहाबा दी जिंदगी नू वेख लो मेरे कुरान ते मेरे साहबे कुरान दाला सच दा नमूना मिल सी तो असहाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह विच मिल अल्लाह शाला अमली तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।